और साथ ही कंधों की स्टिफनेस को दूर कैसे करेंगे। देखिए जब भी किसी को भी गर्दन की मूवमेंट रिस्ट्रिक्टेड होगी यानी कि गर्दन के घुमाने में दिक्कत होगी तो इस एरिया में स्टिफनेस आ जाती है। ये हमारा सर्वाइकल का एरिया है, सर्वाइकल से जो नर्व निकलती है। इसके साथ ही हमारे कंधे की मूवमेंट भी रिस्ट्रिक्टेड हो जाती है यानी कि ये एरिया भी जाम हो जाता है। इन दोनों एरियो को ठीक करने के लिए, यहाँ की मसल्स को लूज करने के लिए हम जो प्रोसेस नीरोथेरेपी में करते हैं आइए बताता हूँ। सबसे पहले पेशेंट को सीधे गर्दन कर कमर सीधी कर बिठाना है और फिर आप यहाँ पर अगर कपड़ा है तो कपड़े के ऊपर से, नहीं तो पाउडर लगाकर आप इस प्रोसेस को करेंगे। क्या करना है, इसको आरी चलाना नीरोथेरेपी में कहते हैं, जिसमें आप हाथों को इस तरीके से रखेंगे और धीरे धीरे आप यहां से रबिंग करना शुरू करेंगे। ऑयल का इस्तेमाल या पाउडर का इस्तेमाल आप कर सकते हैं। धीरे धीरे आपने ये रबिंग करना है, कंधों की मसल्स को लूज करना है और हर बार आप कोशिश करेंगे आराम आराम से आपने ये रबिंग करनी है। इसके बाद आपने दोनों हाथों को इस तरीके से रखना है और यहां से स्पाइन के ऊपर, ये स्पाइन है, स्पाइन के ऊपर आपने हल्के हल्के हाथों से रबिंग करना है इस तरीके से। ये शोल्डर ब्लेड तक आपकी रबिंग जानी चाहिए, ये शोल्डर ब्लेड है तो इस शोल्डर ब्लेड तक आपकी रबिंग जानी चाहिए। धीरे धीरे आपने ये रबिंग करना है नीचे तक इस तरीके से, यानी कि दो स्टेप्स हो गए। पहला स्टेप आपका इधर से आपने रबिंग करना है, कान की तरफ से आपने कंधे की तरफ रबिंग करना है हल्के हल्के आपने हाथ से, और सेकेंड स्टेप में हम ऊपर से नीचे की तरफ स्पाइन पर शोल्डर ब्लेड तक करते हैं। इसके बाद में शोल्डर ब्लेड को, यानी कि ये शोल्डर ब्लेड है, ये शोल्डर ब्लेड है, इस शोल्डर ब्लेड को आपने क्लॉकवाइज करना है, इस शोल्डर ब्लेड के ऊपर क्लॉकवाइज करना है। गर्दन सीधी बनी रहेगी इस तरीके से, तीन बार आप क्लॉकवाइज करेंगे शोल्डर ब्लेड पर, और इसके बाद में दूसरी तरफ करेंगे, दूसरे शोल्डर ब्लेड पर करेंगे इस तरीके से, और इसके बाद आप हाथ से रबिंग कर देंगे पूरा। गर्दन की मूवमेंट पूरी खुलनी चाहिए, आपकी लूज होनी चाहिए गर्दन। इस तरीके से आपने अच्छे से आगे से पूरा रबिंग करना है और शोल्डर को भी आप क्लॉकवाइज करेंगे यानी कि इस तरीके से, दोनों शोल्डर के आपने शोल्डर पर क्लॉकवाइज करना है। और आप देखेंगे कि अगर दो तीन मिनट आपने लगातार ये अभ्यास किया है, ये प्रैक्टिस की है, तो फिर पेशेंट की ये मांसपेशियां पूरी लूज हो जाएगी और गर्दन की मूवमेंट में फर्क आ जाएगा। इसके साथ ही आपने जब ये प्रोसेस कर रहे हो या लास्ट में आप मुखाकृति कराएंगे, यानी कि लंबी गहरी श्वास पेशेंट को लेने के लिए बोलेंगे और उसके बाद मुंह से छोड़ने के लिए कहना है, ताकि जब आप जो रबिंग कर रहे हैं ये एसिड ब्लड में जाएगा और ब्लड के थ्रू जब आप श्वास को बाहर छोड़ रहे हैं तो ये ब्लड के थ्रू बाहर आ जाएगा। तो ये मसल रिलैक्सेशन टेक्निक है जो कि सर्वाइकल के पेशेंट को दे सकते हैं, और सर्वाइकल के जिनको शोल्डर ब्लेड में पेन है या जाम हो गया है उनको भी ये फायदा करेगा। तो इस प्रोसेस को आप कम से कम 2 से 3 मिनट आप